गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं कोई डाला क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं इसलिए थोड़ा बिजी थी। और वो भी वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, बट अभी थोड़े टाइम के बाद मैंने डाला तो मैंने सोचा छोटा मोटा मेकअप जैसे नॉर्मल। कभी कभी मेरा क्या, हम सबका मन करता है ना कि कुछ मेकअप जैसा फील ना हो और थोड़ा सा मेकअप करूँ, तो बस जस्ट वही नो मेकअप मेकअप लुक कह सकते हैं, मैं वो करने वाली हूँ वीडियो आज। और मैंने सोचा चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग के पास फटाफट पहुँच जाए। मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, आई थिंक नींद नहीं कम्प्लीट है इसलिए मुझे थोड़े से डार्क सर्कल से भी लग रहे हैं। कर लूँगी, ठीक, धीरे धीरे करूँगी। ठीक है, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेकअप से पहले आपका जो भी CTM रूटीन है आप वो करिए। मैंने अपना फेस क्लीन भी कर लिया है और टोनर भी लगा लिया है। टोनर में मैं रोज़ वाटर ही ज़्यादा लगाती हूँ और सीरम भी लगा लिया, जो भी है मैंने सब कुछ कर लिया CTM रूटीन। अब इसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करिएगा, मैंने पहले भी बोला है गर्मियों में। और इसके बाद मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी प्राइमर लैक्मे। इसके बाद थोड़ा सा एलिमिनेटर में लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि नो मेकअप मेकअप लुक है तो ज़्यादा ग्लॉसी नहीं रखना है। एंड अब मैं यूज़ करूँगी लैका की बीबी क्रीम, मैंने ली थी तो आप लोगों को दिखाई थी। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, इसको थोड़ा सा रोज वाटर से मैं मिरर। और अब मैं यूज करूंगी कंसीलर, फिट मी का कंसीलर। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी माई ऑल टाइम फेवरेट शुगर का लूज पाउडर, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट करेंट फेवरेट है। और इसमें जो छोटू सा स्पॉन्ज दे रखा है मैं इसी से अप्लाई करूँगी मेकअप को सेट करने के लिए। और अब एक ब्रश से इसको मिस्ट करूंगी, मेकअप सेट हो गया है। एंड इसके बाद में थोड़ा सा लूज पाउडर ये अपनी आईज के नीचे लगाऊंगी और मैं लूंगी नायका का आई शेडो पैलेट और ब्रश में अपना कोई लूंगी फ्लफी ब्रश फॉर आई। नेचुरल मेकअप है तो बहुत लाइट शेड रखना है। थोड़ा सा ऑरेंजेस
थोड़ा सा सिर्फ नेचुरल लगना है, ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। एंड इसके बाद हल्का सा थोड़ा सा फिंगर पे शिमरी शेडो होना, कोई बहुत लाइट। दैट्स इट। एंड अब मैं अपनी ब्रोज को सेट करूंगी, जो कि मैंने लिया था तो आपको दिखाया था। लेट मी एब्सोल्यूट। पहले सेट करूंगी ब्रश से, उसके बाद इसको ना कभी बहुत ज्यादा खोला मत करो, नहीं तो ये टूट जाता है। थोड़ा थोड़ा खोल के तो क्या करो, फिल किया करो, तो टूटेगा नहीं। कभी ऐसी मिस्टेक हो तो हाथ से नहीं, ब्रश से। मैंने कर दी थी मिस्टेक। ठीक है, मुझे लग रहा है एक ये मोटी हो गई और एक ये पतली हो गई है। हो गया, आई थिंक ठीक है। थोड़ा सा माई आईब्रो इज डन। एंड इसके बाद मैं यूज करूंगी, फेस पे सब कुछ हो गया था, अब पहले तो ये एक्सेस पाउडर जो लगाया था इसको रिमूव करूंगी। मुझे यहाँ पे लग रहा ना कुछ ब्लैकिश लग गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लूं, जो भी हो नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यूज करूंगी कॉन्टोर। कॉन्टोर मैंने नायका का लिया था, मैं ये यूज करूंगी आज। कॉन्टोर के लिए हमेशा मैं बहुत छोटा सा ब्रश रखती हूँ, माई फर्स्ट ब्रश। आई थिंक कि बहुत से लोगों का फर्स्ट ब्रश है। बहुत लाइट ही हर चीज कर दी, क्योंकि नो मेकअप मेकअप लुक है, तो ज्यादा इसको उभार के नहीं दिखाना है। यहाँ पे जरूर से इसको किया करिए, कलर करेक्टर का पैलेट हो या जो भी हो, उससे जरूर आप जो भी ब्रॉन्जर या जो भी यूज करते हो आप कंट्रोल करने के लिए उसको, क्योंकि जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन या बीबी क्रीम लग जाता है ना, उससे थोड़ा सेट हो जाता है, कलर आ जाता है, बस और कुछ नहीं। देन नोज, बस। एंड अब इसमें से यूज करूंगी मैं हाइलाइटर, सॉरी ब्लश। ब्लश मेरे पास है फिटमी का, काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, और कम ही लगाना है। और अब मैं यूज करूंगी हाइलाइटर, सुगर का हाइलाइटर है मेरे पास, और हाइलाइटर ब्रश से मैं यूज करूंगी। हाइलाइटर भी हो गया, और इसके बाद मैं जो मिस कर रही हूँ वो है मस्कारा, मेबलिन का मस्कारा। मैं ज़्यादा यही यूज करती हूँ, दूर है। और हाइलाइटर लगने के बाद जो मैंने लगाया था हाइलाइटर, सॉरी मस्कारा लगने के बाद जो हाइलाइटर मैंने लगाया था, उसी को थोड़ा इसके इनर कॉर्नर में यूज करूंगी। और जो आई शेडो मैंने लगाया था उसको मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी आईज अट्रैक्टिव लगे। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक, और नो मेकअप मेकअप लुक है तो लिपस्टिक भी कोई लाइट ही होनी चाहिए। मेबलिन की है मेरे पास, ये ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन। और डैब डैब मैंने इसलिए लगाई लिपस्टिक, क्योंकि नो मेकअप मेकअप लुक है तो उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना था मुझे। एंड इसके बाद
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकअप फिक्सर। सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो आपके पास, जो भी है आप वो लगाइए। और जब तक थोड़ा सा मेकअप सेट होता है, मैं अपना वही ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी जिससे मैंने सब कुछ अप्लाई किया था, उसी से थोड़ा सा मेकअप को सेट करूंगी। इसके बाद इयररिंग्स, और फिर इसके बाद बाल। आपको जैसे भी करना है, बाल खोल के रखना है या थोड़ा सा पिन करने का मन है, तो मैं तो कभी कभी कुछ ज़्यादा नहीं, तो बस छोटू सी पिन। और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।